है hey गाइस आज बेस्ट वैक्स शेयर कर रही हूँ जो वैक्स मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ और ये गर्मियों के लिए बेस्ट है टेनिंग रिमूव तो करता ही है साथ साथ ये इस वैक्स की पकड़ इतनी अच्छी है कि आपके इजीली हेयर रिमूव कर देता है ये लगाने का तरीका आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्शन देख सकते हो किस तरह से लगाना है स्पैचुला देख सकते हो कि मैंने वुडन स्टिक लिया है ये वाला मैं फिर नहीं चिपकाऊँगी क्योंकि थोड़ा टाइम हो चुका है वीडियो बनाने के चक्कर में ये चिपकाऊंगी तो अब ये पकड़ नहीं बनाएगा और बाल नहीं उतरेंगे तो इसीलिए इसको फोल्ड कर देना है आ, अगर तुरंत फटाफट कर रहे हैं ना गाय साफ तब चिपका सकते हो रिपीट थोड़ा भी आप अगर रुक गए तो वो रिपीट नहीं कर सकते तो न्यू स्ट्रिप आपको लेना होता है तो यहाँ आप देखिए आपके सामने है जो है आपके सामने है काफ़ी अच्छा से टेन रिमूव हो गया है और डेड सेल भी काफ़ी अच्छी तरीके से ये हटाता है मतलब थोड़ा भी और उसके बाद ना आपने स्मूथ करने के लिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा भर भर के लगाना होता है अगर आप चाहते हो वैक्स करने के बाद स्मूथ रहे तो यहाँ आपके सामने रिजल्ट है और ये अंतर आप देख सकते हो मतलब जहाँ वैक्स हुआ है और जहाँ नहीं हुआ है आपके सामने है सब कुछ गर्मियों में हमारे हाथ पैर जो हैं बहुत ज़्यादा टैन हो जाते हैं टैन रिमूव करने के लिए आप ये वाला वैक्स ट्राई कर सकते हो वुडन स्टिक इसलिए ट्राई करना है क्योंकि गर्मियों में अगर हम स्टील का स्पैचुला यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ पैर जलने के चांसेस रहते हैं जो न्यू है बिगनर है उनके लिए वुडन स्टिक काफ़ी अच्छा है अब देखो ये वाला हाथ ना यहाँ से हुआ है इसके ऊपर वाला एरिया नहीं किया है मैंने अभी अभी करती हूँ आपके सामने हाँ देख लो ये वाले एरिया में ना मैंने अभी वैक्स नहीं किया है अलग अलग कलर दिख रहा है मेरे हाथों का जहाँ पे वैक्स हुआ है वो थोड़ा क्लियर है और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ डार्क स्किन है तो चलो करते हैं ये वाला भी वैक्स तो गाइस यहाँ पे वैक्स की शूटिंग करते हुए ही मेरी एक क्लाइंट भी आ गई उनको भी एक्चुअली हैंड वैक्सिंग करवाना था तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे अब क्लोज करने वाली हूँ एक हाथ तो मैंने कर लिया है दूसरा हाथ भी बना वैक्स करने के बाद ही कर पाऊँगी ये दिखा रही थी ना टैन रिमूव के लिए मतलब काफ़ी अच्छा वैक्स है चलो आपका भी वैक्स कराना ही है हो जाएगा एक मैसेज है आपके लिए अगर आपने वैक्स के अलावा भी अपने हाथ पैरों की टैनिंग हटाना चाह रहे हैं अपने फेस की टैनिंग हटाना चाहते हो तो उसके लिए एक होम रेमेडी है मेरे पास फ्रूट पील से भी हम अपना टैनिंग रिमूव कर सकते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ ये वाली वैक्स आप बॉडी वैक्सिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो काफ़ी अच्छा रहता है मतलब फुल बॉडी आप इससे वैक्स कर सकते हो आप अंडर आर्म्स वैक्सिंग के लिए भी ये वाली वैक्स यूज़ कर सकते हो ऑल इन वन वैक्स है गर्मियों के मौसम में एकदम मस्त वाली वैक्स है ये वाली तो एक हाथ की वैक्सिंग हुई क्लाइंट आ गए और क्लाइंट के जाने के बाद दूसरे हाथों की वैक्सिंग कर रही हूँ और मैं यहाँ आ गई हूँ कैबिन में अपने एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं कैबिन के बेड में आके बैठ गई हूँ और बैठ के अपने दूसरे हाथों का वैक्स किया मैंने गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर देख सकते हो काफ़ी अच्छा वैक्स है ट्राई ज़रूर करना हाथों तो के साइड ना वैक्स करना थोड़ा टफ़ हो जाता है अगर आप खुद करते हो तो हाथों तो को इस तरह से आपने मोड़ लेना है और मोड़ के फिर वैक्स करना है ऊपर से नीचे की तरफ वैक्स लगाना है और नीचे से ऊपर की तरफ खींचना है और यहाँ कोहनी को वैक्स करते समय ना हाथ को बहुत ज़्यादा सीधा नहीं करना है बहुत ज़्यादा कोहनी मोड़ लेंगे तो भी नहीं होगा तो इतना पे रखना है और उसके बाद आप कोहनी की वैक्सिंग अच्छा से कर सकते हो तो ये है तरीका यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखाया है कैसे लगाएँ कैसे निकालें अच्छा लगा तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस बाय